आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है, कथन हमें दिया गया है हाइड्रोजन में 3D की ऊर्जा 4S की तुलना में कम है और इसका कारण हमें दिया गया है कि एक कक्षक जिसके लिए n+l का मान कम होता है, कक्षक जिसके लिए n+l का मान अधिक होता है की तुलना में न्यून ऊर्जा रखता है। अब इसके हमें चार विकल्प दिए गए हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है और कथन व कारण दोनों असत्य हैं। तो समझिएगा, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ यदि हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि हाइड्रोजन जो कि एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है, मतलब जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन या एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए जितनी भी उच्च ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं उसमें उपस्थित सारे ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं। जैसे मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन को ले लीजिए, आप हाइड्रोजन को देखेगा तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है। ठीक, समझ में आती है बात। अब हाइड्रोजन की प्रथम ऊर्जा अवस्था पे आइए, द्वितीय पर आइए, तृतीय पे आइए, चतुर्थ पे आइए। छोटा सा इसी का उदाहरण ले लेते हैं। प्रथम ऊर्जा अवस्था जो मुख्य क्वांटम संख्या है, तो प्रथम ऊर्जा अवस्था में एस ऑर्बिटल होता है या एस कक्षक होता है, द्वितीय ऊर्जा अवस्था में एस और पी होते हैं, तृतीय ऊर्जा अवस्था में एस एस पी और डी कक्षक होते हैं और चतुर्थ में एस पी डी और एफ होते हैं। अब यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो होता यह है कि द्वितीय ऊर्जा अवस्था में या तृतीय ऊर्जा अवस्था में जितने भी ये कक्षक हैं, उपकोष हैं, एस पी और डी, इन सभी की ऊर्जाएं समान होती हैं। तो अगर हम और जब हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रथम ऊर्जा अवस्था है, इससे द्वितीय ऊर्जा अवस्था में गए, तृतीय ऊर्जा अवस्था में जाएं, तो जब हम ऊर्जा अवस्था में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जाएं बढ़ रही हैं। अब हम जरा अपने कथन पे नजर डालते हैं। कथन में दिया है कि हाइड्रोजन में 3D की ऊर्जा 4S की तुलना में कम है, तो यदि हम 3D पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि 3D इधर पर पाया जा रहा है और 4S जो है वो इधर पाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप 3D से 4S पर जा रहे हैं तो आप निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यहां पर दिया गया कथन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए एकदम सत्य है। तो यहां से तो हमारा समझ में आता है कि जो हमारा दिया गया कथन है वो एकदम सत्य है। पर ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो दी गई कहानी है, ये जो दी गई बात है, ये केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए सच होती है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों के लिए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ये बात सत्य नहीं होती। उनके लिए जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनमें उपकोषों की ऊर्जा को दिखाया जाता है n+l के नियम से। क्या कहता है ये n+l का नियम? साधारण शब्दों में n+l का नियम ये कहता है कि किसी भी कोश की, उपकोष की और कक्षक की, जिसे हम कहते हैं उपकोष और उसके अंदर जो हमारा कक्षक है, तो जो इसकी ऊर्जा होती है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, एक करती है n पर और एक करती है l पर। n क्या है? n हमारा है मुख्य क्वांटम संख्या और l क्या है? l हमारा है दिगंशी क्वांटम संख्या, इन दोनों पर निर्भर करती है। अब n+l कहता है कि यदि आप किसी भी उपकोष के लिए n+l देखिए, जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी।
यानी कि अगर ये घटना जो अभी कथन ऊपर दिया था कि 3D की ऊर्जा 4S की तुलना में कम है, अगर यहीं पर ये हमारा हाइड्रोजन के अलावा कोई ऐसा परमाणु होता जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए उस आधार पर देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती 3D और 4S की। यदि हम 3D पर जाएं तो 3D के लिए N का मान हो गया 3 और दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान हो गया 2। मैं आपको बता दूं कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान जो L है उसका मान S कक्षक के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। इस आधार पर 3D के लिए N का मान हो गया 3, L का मान हो गया 2। 4S के लिए देखें तो 4S के लिए N का मान हो गया 4 और L का मान मैंने बताया कि S के लिए L का मान जो होता है वो होता है 0। तो N प्लस L नियम को यदि यहां पर लगाएं तो इससे ये पता लगता है कि 3 + 2 इसके लिए N प्लस L का मान आता है 5 और जबकि यहां पर इसके लिए N प्लस L का मान आता है 4 + 0 = 4। अब आप यहां पर साफ देख रहे हैं 3D के लिए N प्लस L का मान ज्यादा है, 4S के लिए N प्लस L का मान कम है। इसका मतलब ये हुआ जो N प्लस L नियम कहता है कि चूंकि 4S के लिए N प्लस L का मान कम है इसीलिए 4S की ऊर्जा 3D की ऊर्जा से कम है। तो देखिए यहां पर ऊपर दिए गए कथन का एकदम विपरीत घटना हो गई। ऊपर वाले कथन में 3D की ऊर्जा कम थी, 4S की ऊर्जा ज्यादा थी, जबकि नीचे वाले कथन में आप देख रहे हैं कि 3D की ऊर्जा अब ज्यादा है, 4S की कम है। ऊपर वाला हाइड्रोजन एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए और नीचे वाला बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए जो ऊर्जा है वो N पर भी निर्भर करती है और L पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल इसी कारण से आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अफबाउ के नियम के अनुसार, जैसे मान लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद भरता है 4s2 और इसके बाद भरता है 3d10, तो हमेशा 4s2 के बाद 3d10 भरता है। तो आप समझ जाइए कि क्यों 4s2 के बाद 3d10 भरता है, क्योंकि अफबाउ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 4s की ऊर्जा 3d की ऊर्जा के मुकाबले कम होती है। और इसके पीछे का कारण क्या है, N प्लस L का नियम। तो अब इस आधार पर हम अपने कारण की तरफ चलते हैं। कारण कहता है, जैसा कि यहां पे कारण दे रखा है, कारण कह रहा है कि जिस कक्षक के लिए N प्लस L का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी उस कक्षक के मुकाबले जिसके लिए N प्लस L का मान ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बात यहां पर दे रखी है ये एकदम सत्य है। तो हमारा कथन भी सत्य है और हमारा कारण भी सत्य निकल के आता है। तो यानी कि हमारा कथन यहां पर आ गया एकदम सत्य, देख लीजिए, और कारण भी एकदम आ गया सत्य। परंतु कारण हमारे कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण जो दिया गया है वो हमारे कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि जो कारण है वो केवल और केवल बहु इलेक्ट्रॉनों के लिए कार्य करता है और जो कथन यहां पर दे रखा है वो हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए कार्य करता है। तो कारण ये नहीं बता रहा कि हाइड्रोजन की ऊर्जा, हाइड्रोजन में 3D की ऊर्जा कम क्यों है, क्योंकि कारण के अनुसार तो 3D की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये नियम केवल और केवल बहु इलेक्ट्रॉनों में अप्लाई होता है, एकल इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन जैसे में अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस आधार पर हमारा जो सही उत्तर आता है वो आता है विकल्प नंबर 2। तो हमारा यहां पर मैं लिख देता हूं, हमारा उत्तर, सही उत्तर है विकल्प 2 कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।